तो यहाँ पे हम वापस से आ गए अपने रो फिर वाइस्टर में। तो यहाँ पे हम टिप्सन से कुछ बातचीत करने वाले हैं, मतलब कि भाई आज टिप्सन बहुत परेशान लग रहा था, मुझे बुलाया है, किस लिए बुलाया है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उसे बात करके देखता हूँ भाई किस लिए बुलाया है मुझे। सॉरी, तू यहाँ पे जल्दी आ, मेरे बहुत मुसीबत में हूँ। तो क्या हुआ, मुसीबत में क्यों है टिप्सन, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडे उठा ले गए, बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा है। मेरी गर्लफ्रेंड को तू बचा ले। तो यहाँ पे ये टिप्सन बहुत भारी मुसीबत में पड़ गया, मतलब कि भाई कुछ ज़्यादा ही मुसीबत आ चुका है टिप्सन के ऊपर, मदद तो करना पड़ेगा टिप्सन का, नहीं तो ये रो रो के पागल हो जाएगा। सबसे पहले हम तो लेंगे बाइक, बाइक लेने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ये क्या, मैंने इसको लात मार के गिरा दिया, बहुत खतरनाक मारा है भाई, ये मुझे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करे, बाइक तो लेना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भाई इसकी बाइक भी बहुत अच्छी दिख रही, शायद इसकी बाइक इससे तेज़ भागे। छोड़ दे मेरी बाइक को, कहाँ पे लेके जाएगा तू मेरी बाइक को, बहुत महंगी बाइक है वो। तो मुझे तो नहीं लगता भाई महंगी बाइक है, मतलब कि भाई फेंक रहा है, चलो कोई बात ना, हम इसकी बाइक लेके निकलते भाई, नहीं तो ये आके गन चलाएगा मेरे ऊपर, मुझे पता था इसके पास पावरफुल गन ज़रूर होगा। भाई महंगी बाइक लिया तो पावरफुल गन तो लेके चलेगा ही ना साथ में, मतलब कि भाई इसकी बाइक कोई भी उड़ा सकता है, इतनी महंगी बाइक लेके घूमेगा तो। चलो यहाँ पे मैंने उड़ा दिया, चलो यहाँ से हम निकलते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा समंदर के किनारे, मतलब कि भाई वहाँ पे एक गुंडा मिलेगा, क्योंकि वही बता सकता है इसकी गर्लफ्रेंड को कहाँ छिपा के रखा है गुंडों ने। तो चलो यहाँ से हम निकलते हैं, तो लगभग मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और पहुँचने के बाद मैं उसको पीटने वाला हूँ, मतलब कि भाई वो बताएगा ही बताएगा, मुझे तो नहीं लगता वो बताएगा, लेकिन हम पूछ के देखेंगे। यही है, ये जोकर बहुत हरामी जोकर है, मतलब कि भाई कुछ ज़्यादा ही बोलता है। चलो यहाँ पे उतर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे पटक के मारूंगा, तुझे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तू कहाँ भाग के जा रहा है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला आज। तू यहाँ पे बताएगा कि नहीं बताएगा, तूने कहाँ पे छुपा के रखा है टिप्सन की गर्लफ्रेंड को, जल्दी बता, नहीं तो तेरे को बहुत पीटने वाला हूँ आज मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे पुलिस वाला भी बचाने नहीं आएगा तेरे को, चल तू ऐसे नहीं मानेगा, मतलब कि भाई तुझे समंदर के अंदर जाके मारना पड़ेगा, तब तू जाके मानेगा, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला इसको बचाने आ गया। पुलिस वाला हरदम गद्दार निकलता है भाई, छोड़ने वाला मैं किसी को भी नहीं हूँ। तो चल तू समंदर के अंदर चल, तू वहीं पर बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। तू नहीं जानता मैं काला जादू जानता हूँ, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तू कुछ ज़्यादा ही बोला, तुझे मैं ढूंढ के मारूंगा, तू चाहे कहीं पे भी गायब हो जा, चल तू समंदर के अंदर चल, तेरे को वहीं पे मारूंगा, मतलब कि भाई यहाँ पे ये गायब हो गया, सच में ये काला जादू जानता है, मैं छोड़ने वाला मैं किसी को भी नहीं हूँ, सबसे पहले तो मैं तेरे को मारूंगा, तेरी वजह से वो भाग गया, मतलब कि भाई तू ही भगा दिया उसे, भाई छोड़ूंगा नहीं, इसे कुदा कुदा के मारूंगा। चलो यहाँ से हम निकलते हैं, हमने उसको बहुत भारी डैमेज दिया है पुलिस वाले को, वो मेरे पीछे ज़रूर आएगा, लेकिन मैं अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलता हूँ, हम उसे ढूंढ के मारेंगे भाई, कहाँ पे मिलेगा मुझे तो पता है। मैं हूँ पुलिस वाला, तू कहीं पे भी भाग के चल जा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे ये पुलिस वाला बहुत धमकी दे रहा है अपने को, मतलब कि भाई कुछ ज़्यादा ही धमका रहा है अपने को। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, हम उसे बाद में मारेंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, किसी ने मारा भी नहीं होगा ऊँचा मारेंगे हम। तो हम यहाँ से निकलते हैं, मतलब कि भाई क्या बाइक स्टंट मारा है मैंने, एक नंबर, यहाँ पे गिरते गिरते मैं बच गया, ऐसा बाइक स्टंट शायद ही कोई कर सकता है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, मतलब कि भाई हम यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे हमें कोई सुराग मिल सकता है, हमें किसी से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, मुझे ये आदमी गलत लगता है, लगता है ये, तूने कल्लू काले को कैसे ठोक दिया, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगा था तू बहुत डेंजर आदमी है, अब तेरा क्या होगा, मतलब कि भाई तू नहीं बच पाएगा अब, चिंता मत कर। मतलब कहाँ गायब हो गया वो भाई, मतलब कि गया तो गया कहाँ वो, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते। वो क्या, मतलब कि भाई यहाँ पे मैं नदी के अंदर आ गया, चलो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, लेकिन ये क्या, पुलिस वाले ने अपनी कार को नदी में घुसा दिया भाई, तैरने वरने आता नहीं, घुसा दिया, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये क्या, बाहर पुलिस खड़ी है और ये मेरा इंतज़ार कर रही है, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। चल तू भी नदी में जा भाई, तू भी जा नदी में, मतलब कि भाई इसको भी नदी में फेंक देंगे। नहीं रो फिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई मुझे बचाओ। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही करूँगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको नदी में डुबा डुबा के मारूंगा, सबको मारूंगा, मतलब कि भाई मुझे सामने लग्जरी कार दिख रही है, काफ़ी डेंजर कार है, चल अपनी लग्जरी कार मुझे दे दे, लेकिन ये क्या, ये तो भाग गया, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के मारूंगा तेरे को, कहाँ भाग के जाएगा तू भाई, छोड़ने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं होती, लग्जरी कार तो मैं ले कर रहूँगा, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे ठोक के चला गया, छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला ले कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। चल तू अपनी कार दे दे भाई पुलिस वाले, चल निकल पहली फुर्सत में निकल ले, यहाँ पे मैं इसकी कार लेके निकलता हूँ, नहीं तो ये पुलिस वाला गन लेके ठोक देगा मेरे को, भागो यहाँ से पहले। तो भाई इसकी कार ले ली मैंने, कार लेने के बाद यहाँ से निकलते बनते हैं, मतलब कि भाई यहाँ पे एक और पुलिस वाला आ गया, भाई भागो, मतलब कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा होने वाला है, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, और लेकिन वो क्या, वो वैन में से निकल के भाग गया भाई, छोड़ेगा नहीं किसी को। हमको बचाओ, हमको ये ठोक दिया, हमारी बाइक को घसीट के ले गया।
यहाँ पे कोई भी नहीं बचाएगा किसी को भी, मतलब कि भाई यहाँ पे मैं किसी को छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे रोबोट कार को मैंने देखा था पीछे, मतलब कि भाई पीछे ही रोबोट कार है, हम इससे बदला लेके रहेंगे रोबोट कार से। रोबोट कार शायद कुछ जानता होगा, चलो हम इसे टक्कर मारते हैं। भाई टक्कर मारने से पहले ही रोबोट बन गया, अब ये तो मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, भागो यहाँ से पहले। तो हम इसे कुछ पूछने वाले बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डेंजर है। अब डेंजर है मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। यहाँ पे मैंने बुड्ढे को ठोक दिया और बुड्ढे के पास बहुत सारा पैसा था, मतलब कि भाई भागो पहले। तो भाग के कहाँ जाता है तू? तू नहीं जानता तूने कल्लू काले से कितना बड़ा पंगा ले लिया, तू नहीं बच पाएगा अब। तो यहाँ पे सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, मतलब कि भाई कल्लू कालिया के लोग आएंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो यहाँ पे देखते भाई कितने लोग मुझे मारने के लिए आते हैं। चलो यहाँ पे पहाड़ के पीछे जाएंगे, क्या पता वहीं पे छुपा के रखा हो टिप्सन की गर्लफ्रेंड को। चलो यहाँ पे हम पहाड़ के पीछे जाएंगे, देखते भाई वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है। लेकिन ये क्या है, मेरी कार में आग लग गई भाई, इसमें से धुआं और आग दोनों निकल रहा है। भाई यहाँ से निकलते, निकलने के बाद इस कार को हम ब्लास्ट कर देते पहले। तो ब्लास्ट करने के बाद बाजू वाली कार ब्लास्ट नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट, नहीं तो ये कल्लू कालिया के लोग मुझे बहुत मारने वाले हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। चलो यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, पहाड़ के पीछे जाएंगे, जाने के बाद देखेंगे भाई यहाँ पे कोई छुपा के रखा है कि नहीं, यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। चलो आ चुका हूँ, काफ़ी पैदल आ रहा हूँ, मतलब कि भाई यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। चलो देखता हूँ भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि भाई यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमें मिलिट्री बेस मिल जाएगी, मिलिट्री बेस में जाने के बाद शायद वहाँ पे कुछ पता चले अपने को। छोड़ने वाला मैं किसी को भी नहीं हूँ, कल्लू कालिया के लोग मुझे थोड़ी देर में मारने के लिए आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा युद्ध होगा। हम देख लेते हैं भाई कौन किसको मारने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हथियार निकाल लेता हूँ, चक्कू वक्कू सब निकाल लेता हूँ, मतलब कि भाई युद्ध करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो देखते जाओ युद्ध कैसे होगा। पहले तो मैं जाऊंगा मिलिट्री बेस में, तो मिलिट्री बेस में जाने के बाद सबको नहीं छोड़ने वाला मैं किसी को, मतलब कि भाई मिलिट्री बेस में जाने के बाद मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ पे मिलिट्री बेस आ चुका हूँ लगभग, पहुँचने के बाद यहाँ पे मैं चेतावनी दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस वाले क्या बोलते हैं, तू नहीं जानता तूने यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती की है, तूने कल्लू कालिया के लोग को मारा है, हम तेरे को मारेंगे, तू नहीं बच पाएगा अब, तो अब तेरा क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने हमला बोल दिया, मतलब कि भाई यहाँ से पहले तो भागो, यहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला हूँ, युद्ध तो करना पड़ेगा, कल्लू कालिया के लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन बस इस वीडियो में इतना ही, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में कल्लू कालिया के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध करेंगे, मतलब कि भाई बस इस वीडियो में इतना ही। तू नहीं जानता तूने कल्लू कालिया के लोगों से कितना बड़ा पंगा ले लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिख रहा हो प्लीज़ उसे भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, रो पे रोको। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में रो पे रोको हम बैंड बजा देंगे।